कहा जाता है श्री गणेश के सिद्धि विनायक रूप को पूजने से मन की तमाम शंकाएं दूर हो जाती हैं, सारे कष्ट गणपति हर लेते हैं और अपने भक्त को सुख का आशीर्वाद भी देते हैं। हम आपको प्रभु सिद्धि विनायक के सिद्धि विनायक की कृपा पाने की खास पूजा विधि बताने जा रहे हैं और इस स्वरूप के पूजन से आपको मिल सकते हैं कौन से वरदान, ये भी जान लीजिए। उपासना से ये होता है कि हमें विद्या की प्राप्ति होती है, हमें धन की प्राप्ति होती है, हमें यश की प्राप्ति होती है, हमें मनोरथ की प्राप्ति होती है। हम कहीं भी जा रहे हों, हमारा काम सिद्ध करने के लिए हम भगवान गणेश की उपासना, जय गणेश, जय श्री गणेश, या कहीं भी रास्ते में मंदिर दिखे हम प्रणाम करके जाते हैं तो हमारी उपासना वो सिद्ध हो जाती है और वो धन यश कृति की प्राप्ति के लिए उनकी उपासना की जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं सिद्धि विनायक की पूजा उपासना से कोई भी उनका भक्त क्या क्या लाभ पा सकता है। सिद्धि विनायक की उपासना से हर तरह की विघ्न बाधा समाप्त हो जाती है। किसी भी कार्य के आरंभ में इनकी पूजा और स्मरण लाभकारी होता है। इनकी उपासना से संतान की प्राप्ति होती है, इनकी उपासना से कर्ज से मुक्ति मिलती है और लाभ बढ़ जाता है। सिद्धि विनायक की नियमित रूप से पूजा करने से घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। गणपति बाप्पा को तेज बुद्धि और पराक्रम के लिए जाना जाता है। वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नहर्ता हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इनका नाम लेकर शुरू किया गया कोई भी काम कभी अधूरा नहीं रहता। सिद्धि विनायक की पूजा सबसे सरल है, सबसे सरल पंचोपचार पूजन, सबसे सरल। जैसे सभी देवताओं का पूजन होता है उसी तरह से भगवान गणेश का भी पूजन होता है। षोडशोपचार पूजन होता है, षोडशोपचार पूजन में नाना प्रकार के सामान है और जिसके पास कुछ नहीं है वो पंचोपचार पूजन कर लेता है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत और इसी के माध्यम से वो भगवान की पूजा करता है। इसमें भी आता है अष्ट, अष्ट में क्या आता है भगवान गणेश को दुर्वा, गन्ना और धान का लावा, चना का सत्तू, ये सब भी भगवान की पूजा में अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार से भगवान की पूजा होती है। पंचोपचार पूजा करके भगवान को खुश किया जा सकता है, अपनी मनोरथ को सिद्ध किया जा सकता है। ये भी समझना जरूरी है कि कैसे की जाए सिद्धि विनायक की उपासना जिससे वो अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होकर लुटाए खुशियां अपार। भगवान सिद्धि विनायक की स्थापना गणेश महोत्सव या चतुर्थी तिथि को करें। बुधवार को भी इनकी स्थापना कर सकते हैं। नित्य प्रातः उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें, उनके मंत्रों का जाप करें और आरती भी करें। जब भी सिद्धि विनायक की स्थापना करें वहां दोनों वेला घी का दीपक जलाते रहें। भगवान गणेश के इस सबसे मंगलकारी स्वरूप की पूजा उपासना के साथ ही विशेष मंत्रों का जाप करना आपके लिए एक अमोघ कवच के समान हो जाता है।